तेरी बात कर रहा हूँ, तू है ना शेर, मेरे दस लग रहे अभी तो बोला। जय श्री राम दोस्तों, और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जी फिट व्लॉग्स। दोस्तों स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। दोस्तों आज है अपना इंटर्नशिप डे, तो चलते हैं एक बार फिर इंटर्नशिप पे। और गाइस आपको बता दूं, ये मेरा लास्ट मंथ होने वाला है इंटर्नशिप का, और इसके बाद अपन कुछ और ट्राई करेंगे, क्योंकि इंटर्नशिप के ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो चुके हैं, कंप्लीट 3 मंथ्स हो जाएंगे इस महीने। तो यार अपन ने बहुत कुछ सीखा यहाँ से, तो अब बनता है एक स्टेप और आगे लेने का, जो कि मेरे फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल हो। तो गाइस अपन इसके बाद कुछ नया देखेंगे, कुछ अपने जो अपने फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल हो। तो गाइस अभी थोड़े दिन बचे, मतलब एक वीक, और इसके बाद हाँ नेक्स्ट वीक जो है वो लास्ट वीक रहेगा मेरे इंटर्नशिप का। उसके बाद अपन इस वाले इंटर्नशिप से फ्री हो जाएंगे, फिर कुछ और ढूंढेंगे, कुछ और देखेंगे। तो गाइस फटाफट रेडी होते हैं, डाइट वगैरह अपने ले लिया, प्रोटीन टेक पूरा कर लिया, और हम निकलते हैं रेडी होके इंटर्नशिप के लिए, क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट हो गया है। तो गाइस काम भी करना है आज 2-3, तो मतलब ट्रैवलिंग का काम ज़्यादा है आज, क्योंकि टॉप रोड जाना पड़ेगा एक बार और कुछ सामान वामान के लिए। तो गाइस फटाफट रेडी होते हैं और निकलते हैं। चलिए हाँ जी गाइस निकलते हैं इंटर्नशिप के लिए। चले गए, मिलते हैं आगे जाके। Stress is getting just a little bit lower. Mind's getting just a little bit closer. Put somebody in my life that can make it full. I'll be lost, I'll be found in the broken. A way out in the crowd, feeling open. Put somebody in my life that can make it full. That हाँ जी गाइस, तो आ चुके हैं अपने बुटीक, अब सीधा जा रहा है अपन टेंटरिंग हाउस के अंदर, क्योंकि एक सामान लाना था रास्ते में, रखा था, तो वो अपन फैल को देने जा रहे फटाफट, क्योंकि लेट हो रहे हैं ऑलरेडी। चलो मिलवाते हैं वो फैल भे से। लाला कल देखा था क्या बिग बॉस? मैंने देखा था भाई, शानदार। हाँ भाई हाँ जी गाइस, तो वी आर बैक एट होम। गाइस अपन वापस आ चुके हैं, आपको लग रहा होगा मैं इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया, मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं गया था गाइस इंटर्नशिप पे, तो यार वहाँ पे कुछ काम वाम नहीं था, तो आज मैंने हाफ डे ले लिया। तो अपन घर के जो भी 2-3 काम है छोटे मोटे वो निपटाएंगे, क्योंकि गाइस मम्मी पापा क्या है जॉब करते हैं वो, मतलब शाम को लेट आते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन आते हैं, तो घर के काम वाम तो हो जाते हैं बहुत सारे, वो कर लेंगे, जो अपने कॉलेज के काम वो कर लेंगे। तो गाइस ऐसा सीन है, और भाई आज मेरे को जो रास्ते में जो मज़ा आया ना भाई, क्योंकि 22 जनवरी को आपको सबको पता ही क्या होने वाला है, 22 जनवरी को अपने रामलला आ रहे हैं, तो उस चक्कर में भाई पूरे रास्ते के अंदर मतलब झंडे राम भगवान के, भगवान रंग के झंडे पूरे चारों ओर, ऐसा मतलब एक ऑरा बन चुका है ना, और ऐसी वाइब आ रही ना भाई अब आजकल कि भाई मज़ा ही आ जाता है। और क्या अभी इंस्टाग्राम पे फोटो भी वायरल हो रही है कि रामलला की मूर्ति की पहली झलक मिल चुकी है, तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी अपलोड किया भाई मूर्ति को देख के ही, अभी तो मूर्ति को आधा कवर कर रखा है भाई, उस आधी मूर्ति को भी देख के तृप्त हो गया मन, बहुत मन करता है कि उस देखे जाओ रामलला को। तो गाइस अपना एक और था, अपना एक जब बन रहा था प्लान अपना, लास्ट मार्च अप्रैल के अंदर मैंने बोला था कि जब भी राम मंदिर बनता है तो मम्मी को लेके आऊँगा, तो भाई मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि अभी 22 जनवरी को तो नहीं जा सकते, क्योंकि अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी मना किया है कि यार मत आना, आप सब जितने भी अपने देशवासियों से वो किया है, अनुग्रह किया है कि यार मत आना, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है वहाँ पे। और भाई होटल्स, आप अगर होटल अयोध्या में होटल्स की रेट देख लोगे ना, आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, क्योंकि एक मात्र 500-1000 रुपये का रूम लाख लाख रुपये का हो रहा है। हाँ भाई मैंने चेक किया है खुद ने, लाख लाख रुपये का रूम हो रहा है, जो कि 500-1000 रुपये में रूम मिल जाता है, तो आप देख लो कि भीड़ किस लेवल पर आने वाली है भाई। तो भाई अपन ये नहीं है कि अपन जाएंगे नहीं,
ज़रूर जाएंगे, मम्मी को लेके जाएंगे, बस थोड़ी भीड़ कम हो जाए। और मम्मी का गांव भी पास में है, 4 घंटे का रास्ता है वहाँ से, तो मैंने ये भी सोचा कि मम्मी को वहाँ दर्शन करा के और उनके गांव ले जाऊँ, क्योंकि उनको तो अभी 1.5 साल हो गया, क्योंकि उनको जमीनों के चक्कर में 1.5 साल में जाना पड़ता है। मैं तो लास्ट टाइम पता नहीं कब गया था, मेरे को तो 7-8 साल हो गए हैं गए हुए। तो मम्मी के गाँव भी चलेंगे तो सारी चीज़ दिखाएंगे आपको, तो बने रहिए हमारे साथ हमारी जर्नी में। और गाइस स्ट्रीक चालू है अभी भी, आप लोगों का सबका प्यार है और सबका साथ है, तो कंटिन्यू स्ट्रीक चालू है। और बस अभी करते हैं रेस्ट, करते हैं थोड़ा, क्योंकि कल रात की नींद पूरी नहीं हुई है, रात को मैं बिग बॉस देखने लग गए थे। तो गाइस फटाफट करते हैं थोड़ा काम, फिर करते हैं रेस्ट, फिर आपको दिखाते हैं। और हाँ, मेरा प्लान बन रहा है मूवी देखने जाने का, हनुमान जो लग गई है मूवी, तो ढूंढता हूँ कौन साथ में चलेगा, फिर देखते हैं। चले गाइस मिलते हैं आपसे। समझ में नहीं आ रहा ये स्कूल के बच्चों को हुआ क्या है, मैं इसकी टांग है, मतलब ये सारे ग्रुप बनाएंगे यहाँ आए लड़ने, और अभी साथ में जा रहे एक साथ ही, मतलब टोटल एक ग्रुप है इनका टोटल, और अपने दोस्तों में लड़ रहे हैं, और इतना भयंकर लड़के चले गए साथ में जा रहे। ये देखो उधर के साइड खड़े, ये देखो उधर के साइड खड़े के लिए कोने पर, पता नहीं कहीं चल रहा है। क्या कहते हो गाइस, स्कूल में कंप्लेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए इनकी, उन्होंने तो वीडियो भी है और इनको देख के बचपन याद आता है यार। और ऐसे तो नहीं ले रहे यार हम। हाँ जी गाइस, तो यार उस जब वो बाहर बैठा था उसके बाद यार थोड़ा भूख लगी थी मेरे को, तो उसके बाद अपन ने लंच किया अच्छा खासा। लंच करने के बाद अपन अपने कमरे में आ गए सीधा रेस्ट करने के लिए, फिर अपन ने थोड़ी देर नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज चला ली, बर्लिन करके सीरीज आई है भाई, जिसने मनी हाइस्ट देखी है ना, बर्लिन को आप जानते हो, और उसके ऊपर एक सीरीज आई है भाई बर्लिन नेम से ही भाई, लिटरली इतनी लेजिट सीरीज है ना, इतनी अच्छी सीरीज है ना, जिसके अंदर मैं 3rd एपिसोड तक पहुँचाऊँ, और भाई इतनी प्यारी सीरीज थी, मतलब चोरी के ऊपर ही है लेकिन भयंकर स्टोरी है, तो जाके देखना भाई, चेकआउट करना नेटफ्लिक्स के ऊपर। उसके बाद अपन सो गए थे, फिर अभी जस्ट उठे हैं, थोड़ा फ्रेशन अप हुए हैं, तो अब चल रहे हैं अपन सिद्धार्थ के पास, सिद्धार्थ के घर पे, क्योंकि गौतम भी आया हुआ है वहाँ पे, पतंग उड़ा रहे हैं मैं एज यूजुअल, तो पतंग वतंग तो देखो अपन को आती नहीं है, अपने से फन करने जाते हैं, तो चलते सिद्धार्थ के पास करते आगे की बातचीत, चलते हैं गाइस, चलिए। क्या चढ़ा हुआ है कबड्डी भाई, प्योर कबड्डी वाला लग रहा है ये तो। और डिट सा है भाई, पढ़ा लिखा आ, तू भी दिखा दे खेच यार, तेरी भी खेच दे ऐसे इसकी जैसे इसने मारी थी, कैसे था खेच, कैसे मारी थी देखिए गौतम एक बार कैसे मारा था खेच, ये जैसे इसने मारी थी वैसे मारी हूँ। क्या नाम है उसका सिद्धार्थ? कोकी
कोकी यार पहला जर्मन सफर देखा है जो तब फ्रेंडली है भाई, इतने फ्रेंडली भी नहीं होते यार गौतम, इतने भी फ्रेंडली नहीं होते यार जितना तुम बता रहे हो। हाँ यार दिखा यार नहीं यार ये कैसे कर रहा था, ये कैसे कर रहा था, ये दिखाई और दिखाई कैसे कर रहा था क्या पता यार वो, अरे वो इसके लिए दीवार थी था पीछे फुल बदमाशी भाई बदमाश बोल बोल शेर बीमार है दस्त हो रहा है शेर के दस्त हो रहा है शेर का पड़ गया तो तेरी बात करो तू है ना शेर मेरे दस्त लग रहे अभी तो बोला तू शेर के बीमार है तो शेर के दस्त हो रहे तुम्हारे तो बीमार होते दस्त ही लगते क्या दस्त लग जाते लगने को तो भाई हमारे तो काफी टाइम हो गया लगे नहीं भाई अभी लगवाता हूं जी गाइस तो फाइनली आ चुके हैं घर पे पूरा डोल डाल के आ चुके हैं यार क्योंकि हम सारे अभी मिले थे तो गौतम भी आ गया था पवन भी आ गया था तो हम चारों जने पहले तो गए हम पालिका पालिका जाके कोल्ड कॉफ़ी पी फिर गए मानसरोवर क्योंकि हमको मोमोज खाने थे टिक्का खाना था उसके बाद हम वापस संजू के घर आए संजू के घर पे बैठ गए तो गए इसी के साथ हमने आज का दिन किया एंड और इस व्लॉग में आज इतना ही रखते हैं तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें और जो इस चैनल पर नए वो सब्सक्राइब करें एंड गाइस टू कमेंट हमको पता भी लगना चाहिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है अच्छी नहीं लग रही तो कमेंट इस हिसाब से करें और लग रही है अच्छी तो शेयर भी कर दें तो गाइस इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा टाटा बाय बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड राम राम